गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड इज योर सागर सर। टुडे वी विल रीड इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो टुडे इज योर फर्स्ट डे टू इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। आवर फर्स्ट चैप्टर इज अ स्ट्रेंजर एट बेन बाओ इन। व्हाट इज अ बेन बाओ? बेन बाओ इज अ स्टे हाउस मीन्स रुकने की जगह, लाइक अ होटल, लाइक अ गेस्ट हाउस, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम रुक सकते हैं। ठीक है, अ स्ट्रेंजर मतलब होता है अनजान आदमी, जिसे आप जानते ना हो, पहचानते ना हो। यू डोंट नो दैट पर्सन इज कॉल्ड स्ट्रेंजर, जिसे आप नहीं जानते हो वो क्या है, स्ट्रेंजर्स होता है। तो अ स्ट्रेंजर एट बेन बाओ इन, एक अनजान व्यक्ति बेन बाओ इन में। बेन बाओ मीन्स मैंने बताया अ प्लेस वेयर यू स्टे, जहाँ आप रुकते हैं। तो उस स्थान पे एक अनजान व्यक्ति, जिसे आप नहीं जानते हैं, वो बेन बाओ इन में। अच्छा, ये चैप्टर है क्या? जल्दी जल्दी हम लोग चलिए जानते हैं कि व्हाट इज़ दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज टेकन बाई अ नोवेल। नोवेल नेम इज ट्रीजर आइलैंड। एक नोवेल है जिसमें से ये चैप्टर लिया गया है। बहुत ही अच्छा नोवेल है बेटा। इस नोवेल की कहानी जो होती है वो समुद्री लड़ाकू, खजाने, आइलैंड, ऐसे ऐसे चीज़ों से इर्द गिर्द घूमती है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम दैट नावल, यह उसी नावल से लिया गया है। एंड दिस नावल राइटर इज रॉबर्ट लुइस। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आवर फर्स्ट चैप्टर अ स्ट्रेंजर इन बेन बाओ इन। Let's start. I am Jim and this is the story of my life. I am Jim, मैं जिम हूँ। My name is Jim and this is the story of my life. This story is related my life. ये story मेरे जीवन से related है। I am going to write about the treasure island. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ राइट अबाउट ऐसे चीज़ के बारे में लिखने। राइट अबाउट, आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द ट्रीजर आइलैंड, एक ट्रीजर आइलैंड के बारे में लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट अ ट्रीजर आइलैंड। आई विल टेल यू ऑल, मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। लेकिन I know except the location of the island, लेकिन क्या चीज़ नहीं बताऊँगा, the location of the island, island का location नहीं बताऊँगा। फिर से देखते हैं बेटा। I am Jim and this is the story of my life. मेरा नाम जिम है और ये स्टोरी मेरे लाइफ से रिलेटेड है। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द ट्रीजर आइलैंड, मैं ट्रीजर आइलैंड के बारे में लिखने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू राइट अ ट्रीजर आइलैंड, मैं ट्रीजर आइलैंड के बारे में लिखने जा रहा हूँ। आई विल टेल यू ऑल आई नो, जो मैं जानता हूँ सब बताऊँगा, एक्सेप्ट एक चीज़ को छोड़कर, क्या, द लोकेशन ऑफ द आइलैंड, उस आइलैंड का लोकेशन, द एड्रेस ऑफ आइलैंड, उस आइलैंड का पता नहीं बताऊंगा और सब बताऊंगा। देयर इज स्टिल सम ट्रीजर हिडन इन इट, देयर इज समथिंग, वहाँ कुछ ट्रीजर, अ सीक्रेट इज हिडन, छुपा हुआ, इन इट, वहाँ कुछ सीक्रेट, वहाँ कुछ जासूसी चीज़
ट्रीजर चीज खजाना वहाँ हिडन इन इट, वहाँ छुपा हुआ है। एंड आई डोंट वांट यू टू गेट टू इट बिफोर आई डोंट वांट यू टू गेट टू इट बिफोर आई डू। मैं नहीं चाहता यू वांट टू गेट टू इट कि आप इसे प्राप्त करें हैं बिफोर आई डू, आपको ये मिले मेरे से पहले, बिफोर आई डू। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज माय फादर वाज द ओनर ऑफ द एडमिरल बेनबो इन। आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑफ दिस लेसन स्टार्ट, इस लेसन स्टार्ट होने से पहले मैं बताया था कि बेनबो इज अ प्लेस वेयर यू कैन स्टे एज अ होटल, एक होटल की जैसा होता है बेनबो इन, जहां हम रुकते हैं। तो ही सेइंग माय फादर वाज द ओनर ऑफ द एडमिरल बेनबो इन, मेरे पिताजी एक बेनबो इन के ओनर हैं, ओनर मीन्स मालिक हैं। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड सीमैन केम टू आवर इन एंड आस्क्ड फॉर ए रूम। एन ओल्ड सीमैन, एक ओल्ड बूढ़ा सीमैन जो जहाज पे रहते हैं, सीप समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं उस पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं सीमैन। ठीक है, तो एन ओल्ड सीमैन केम टू आवर इन, हमारे बेनबो इन में आया, केम टू आवर इन, हमारे बेनबो इन में आया। एंड आस्क्ड अ रूम, और रूम के बारे में पूछता है, रूम मांगता है। ही हैड अ सी चेस्ट इन अ हैंड क्राफ्ट, ही हैड सी चेस्ट, सी चेस्ट मीन्स अ बॉक्स, अ बॉक्स, ही हैड अ सी चेस्ट, उसके पास एक बॉक्स है। इन अ हैंड कार्ट, कहाँ पे बॉक्स है, इन अ हैंड कार्ट, हैंड कार्ड मीन्स ट्रॉली, एक ट्रॉली जैसा उसके पास एक बॉक्स है। ही वॉज टॉल एंड हिज लॉन्ग हेयर वॉज टाई इन अ बन, ही वॉज टॉल, वो क्या है, टॉल है, ही वॉज टॉल, वो टॉल था। एंड हिज लॉन्ग हेयर, और उसके लंबे बाल, लॉन्ग हेयर वॉज टाई इन अ बन, एक बन में बंधे हुए, टाई मीन्स बंधा हुआ था, इन अ बन, बन में बंधे हुए थे। एवरीथिंग अबाउट हिम, सब कुछ तो ठीक था, इंक्लूडिंग हिज ड्रेस, लेकिन इंक्लूडिंग हिज ड्रेस, उसके ड्रेस को लेकर, ही वॉज ग्रीमी, वो बहुत ग्रीमी था, वेरी डर्टी, ही वॉज वेरी डर्टी, उसकी जो ड्रेस थी वो क्या थी, ही वॉज वेरी डर्टी। ही हैड एन अगली स्केयर क्रॉस ऑन चीक, स्केयर मीन्स अ मार्क ऑफ इंजरी, चोट के निशान, अक्रॉस वन चीक, उसके एक चीक के तरफ क्या था, एक मार्क था, कैसा मार्क, कैसा मार्क था, किसी चोट के निशान थे, किसी इंजरी के निशान थे। इट अपीयर्ड दैट बिली बोन्स वॉज वेरी विथ आवर इन, वेरी हैप्पी, बोन्स वॉज हैप्पी विथ आवर इन। इट अपीयर्ड, यह दिखता था, क्या दिखता था, दैट बिली बोन्स, वो जो ओल्ड सीमैन था उसका नाम क्या बता रहा है, बिली बोन्स, जो बिली बोन्स था ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, किस लिए खुश था, विथ आवर इन, हमारे इन से, हमारे होटल से वो बहुत खुश था। ही वॉन्टेड टू नो इफ द इन वॉज फ्रिक्वेंटेड बाई मैनी पीपुल्स, ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था, इफ द इन वॉज फ्रिक्वेंटेड, फ्रिक्वेंटेड मीन्स विजिटेड, विजिटेड मीन्स मतलब बहुत से लोग विजिट किए हों, वो जानना चाहता था कि क्या बहुत से लोग फ्रिक्वेंटेड किए हैं इस होटल में, बहुत से लोग विजिट किए हैं इस होटल में।
now from here. When he was told that not many people came to Admiral Benbow, जब उसको बताया गया that not many people, बहुत सारे लोगों ने came to Admiral Benbow नहीं आया है, बहुत सारे लोग इस बेनबो में नहीं आए हैं. जब उसको बताया गया कि बहुत सारे लोग इस बेनबो में, इस होटल में नहीं आए हैं, his eyes light up. For a brief instant, I even saw a smile instead of a scowl. His eye light up. उसकी आँखें light up, जलने लगी. His eyes light up. उसकी आँखें जलने लगी. जलने लगी means now he is angry. He is angry and for a brief instant, तुरंत ही उसकी आँखें जलने लगी. आई इवन सा स्माइल इंस्टीट ऑफ अ स्काउल. स्काउल मीन्स विथ एंगर. उसकी जो स्माइल है वो चेंज हो गई एंगर में, गुस्से में चेंज हो गई. नाउ थर्ड पैराग्राफ. He gave my father some gold coin. He gave my father some gold coin. उसने दिया मेरे पिताजी को gold coin, सोने के सिक्के दिए. And promised किया to pay more when it got over. और promise किया to pay, और देने के लिए to give more, और ज़्यादा देने के लिए. When it got over, जब ये ख़त्म हो जाएगा तब और भी ज़्यादा देंगे. उसने ये बात का क्या किया, प्रॉमिस किया. With a brass telescope huge around his neck, एक ब्रेस टेलीस्कोप तांबे के टेलीस्कोप के साथ, ह्यूज अराउंड हिज नेक, उसके नेक उसके गर्दन पे क्या था, ब्रेस्ट टेलीस्कोप था, तांबे का टेलीस्कोप था उसके गर्दन के पास. ही साउड द कोव. साउड मीन्स सर्च, फाइंड. ही साउड, उसने सर्च किया, उसने फाइंड किया. क्या फाइंड किया, अ कोव. कोव मीन्स होता है एन एरिया ऑफ सी दैट इज पार्टली सराउंडेड बाय सी. एक ऐसा समुद्र का जगह जो चारों ओर से, लैंड से सराउंडेड हो. सराउंडेड बाय लैंड, एन एरिया ऑफ सी विच इज सराउंडेड बाई लैंड, जो लैंड से सराउंडेड हो. ही साउट द कोव, उसने कोव को फाइंड किया, सर्च किया. एवरी इवनिंग ऑन हीज रिटर्न ही वुड नॉट फेल to inquire whether a seaman with one leg had visited the inn. Every evening घर शाम को, on his return, when he returned, जब हुआ वापस आता था, on his return, वापस आने पर, he would not fail to inquire, वह चूकता नहीं था. किन चीज़ों से नहीं चूकता था, inquire पूछने में. क्या पूछता था, वेदर अ सीमैन, क्या एक सीमैन, क्या एक नाविक सीमैन, विथ वन लेग, एक पैरों वाला सीमैन, हैड विजिटेड द इन, क्या कोई एक पैरों वाला नाविक सीमैन इस इन में आया, इस होटल में आया.
वो हर शाम को वो जो बिली बोन्स था वो पूछता था कि क्या कोई एक पैरों वाला आदमी यहाँ आया। ऑन द होल बिली सीम टू बी अ वीक्ड मैन। वीक्ड मैन्स मीन्स डेंजरस मैन, अ बैड मैन। बिली सीम ऐसा दिखता था सीम लुक लाइक अ बैड मैन, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का दिखता था। ही सीम्ड, बिली सीम्ड दिखता था बहुत दुष्ट टाइप का। एंड आल वर अफ्रेड ऑफ हिम, आल वर अफ्रेड ऑफ हिम, और सारे लोग अफ्रेड ऑफ हिम, उससे डरते थे। किससे डरते थे? बिली बॉन्स से, उस बूढ़े सीमैन से, दैट ओल्ड सीमैन, उस बिली बॉन्स से सारे लोग डरते थे। ही एवन थ्रेटेंड टू किल आवर फैमिली फिजिशियन डॉक्टर लीव से। ही एवन थ्रेटेंड टू किल आवर फैमिली डॉक्टर फिजिशियन डॉक्टर लीव से व्हेन ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्रिंक। उसने थ्रेटेंड धमकाया डराया, थ्रेटेंड लोगों को डराना, उसने डराया। टू किल आवर फैमिली, हमारे फैमिली के फिजिशियन डॉक्टर को मारने के लिए डराया। क्यों डराया? व्हेन ही एडवाइज्ड हिम नॉट टू ड्रिंक सो मच, जब उन्होंने उसको एडवाइज्ड किया, सजेस्ट किया। व्हेन ही सजेस्ट देम दैट नॉट ड्रिंक टू मच, तुम ज़्यादा मत पियो। ड्रिंक मीन्स पीना, सो मच मीन्स बहुत ज़्यादा, तुम ज़्यादा मत पियो। तो उसने उस डॉक्टर को डराया, धमकाया, मारने के लिए डराया। थ्रेटेंड टू किल मारने के लिए डराया। Only when the good doctor spoke of the police did he put his knife away. ठीक है, इतना ही नहीं, जब उस अच्छे डॉक्टर ने पुलिस से बात की, ठीक है, उसने अपना चाकू निकाल लिया। He put his knife away, उसने अपना चाकू निकाल दिया। He put his knife away, अपना चाकू दूर कर दिया। ठीक है, जब उसने पुलिस से कहने की बात की, दैट डॉक्टर व्हेन ही सेड आई विल कॉल द पुलिस, देन ही पुट हिज नाइफ अवे, उसने अपना जो नाइफ है वो उसे दूर किया। आगे Although he stay with us week after week, वह हफ्तों हमारे साथ रहने लगा, हमारे बेनबो इन में रहने लगा, हमारे होटल में रहने लगा। He never offered any more money, and उसने एक्स्ट्रा मनी नहीं दिया। ठीक है, ऑफर्ड, उसने दोबारा मनी नहीं दिया। ही नेबर, उसने कभी भी नहीं, नेबर ऑफर्ड एनी मोर मनी, और मनी देने के लिए नहीं ऑफर किया। गोइंग बाय द रेपुटेशन बिली हैड बिल्ड फॉर हिमसेल्फ, गोइंग बाय द रेपुटेशन, इस रिपोटेशन को बिली ने खुद अपने लिए बनाया था। रिपोटेशन को बिली ने खुद अपने लिए बनाया, ऐसा वह खुद अपने लिए ही बनाया था। माई फादर वॉज इवन अफ्रेड टू प्रेस फॉर हिज ड्यूज, और मेरे पिताजी कभी भी उनसे क्या हुआ, कभी भी उनसे ड्यूज को नहीं मांगा। प्रेस टू
फ्रेश फॉर हिज ड्यूज, नेवर डिमांड फॉर हिज ड्यूज। उसके पिता ने कभी भी बिली बोन से अपने ड्यूज को नहीं मांगा। वन डे द कैप्टन सेट आउट फॉर द बीच विथ हिज कटलस एंड टेलीस्कोप। My father was very ill and I was helping my mother to lay the table. One day, एक दिन, the captain set out for the beach. Beach के लिए गए थे कौन? Captain. वो Billy Bones को क्या बोल रहा है? Captain कह रहा है. When the captain set out for the beach, when he go out for the beach, बाहर गया था बीच के लिए विथ हिज कटलेस, अपने कटलेस अ स्वाड, स्मॉल स्वाड, एक छोटी तलवार के साथ, ठीक है, स्वाड एक छोटी तलवार के साथ, एंड टेलीस्कोप दूरबीन के साथ, जब बिली बोन्स बाहर गया था। माय फादर वाज वेरी इल, हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, एंड आई वाज हेल्पिंग माय मदर, और मैं अपनी मदर की हेल्प कर रहा था, टू ले द टेबल्स, टेबल को रखने के लिए। सडनली, तभी अचानक, द डोर ओपेंड, अचानक डोर ओपन हुआ, एंड द पाम मैन वॉक्ड इन, एक पाम मैन, येल्लो मैन वॉक्ड इन, अंदर की तरफ आया। ही हैड टू फिंगर्स मिसिंग ऑन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड से टू फिंगर मिसिंग थे, दो उंगलियां नहीं थी उसकी हैंड में। ही हैड कटलेस बट ही डोंट डिड नॉट लुक लाइक अ फाइटर। ही हैड कटलेस, उसके पास भी छोटी तलवार थी। ही हैड अ स्मॉल स्वॉर्ड बट ही डिड नॉट लुक लाइक अ फाइटर, लेकिन वह एक लड़ाकू नहीं दिख रहा था। ही आस्क्ड फॉर अ टेबल एंड सेट डाउन, उसने टेबल मांगा एंड सेट डाउन, और उसी जगह उसी टेबल पे बैठ गया। कौन? वो पाम मैन जो अंदर की तरफ आया, वो उस टेबल पे बैठ गया। एंड क्या कह रहा है? कम हेयर सनी, ही सेड, और कहा कम हेयर, यहाँ आओ, कम क्लोजर, और नज़दीक आओ। आई टुक अ स्टेप टुवार्ड हिम, फिर वो जो लड़का था वो टुक अ स्टेप, आगे की तरफ बढ़ा, अपनी कदमों को आगे की तरफ बढ़ाया। इज दिस टेबल फॉर माई मैट बिल, क्या यह टेबल मेरे मैट, मेरे दोस्त बिल के लिए है? क्या यह टेबल मेरे मैट, मेरे दोस्त बिल के लिए है? आई डोंट नो, अब छोटा लड़का कह रहा है, आई डोंट नो योर मैट बिल, मैं तुम्हारे किसी बिल को नहीं जानता। आई सेड, मैंने कहा, दिस इज़ फॉर अ मैन हु स्टे हियर, यह उस व्यक्ति के लिए है जो यहाँ रुका है। हु स्टे हियर, यहाँ रुका है। वी कॉल हिम द कैप्टन, हम लोग उसे कैप्टन कहते हैं। वेल, ही रिप्लाइड, ठीक है, ही रिप्लाइड, उसने कहा, किसने? जो अंदर की तरफ आया था पाम मैन। माई मैट बिल विल बी कॉल्ड कैप्टन, हो सकता है माई मैट, मेरा दोस्त, कैप्टन कहा जाता हो मेरे दोस्त को, वुड बी कॉल्ड कैप्टन। ही हैज़ अ कट ऑन वन चीक, ही हैज़ अ कट, उसके वन चीक, गाल के तरफ एक गाल पे कट है, कट का मार्क है। इज ही हेयर, क्या ऐसा कोई मैन, इज ही हेयर, क्या वो यहाँ है? नाउ जो छोटा लड़का था वो कह रहा है, ही इज आउट एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, इस समय ही इज आउट, बाहर है, एट द मोमेंट ही इज आउट, इस समय वह बाहर है।
ही वांटेड टू नो विच वे ही हैड गोन। मैं जानना चाहता था, वह जानना चाहता था कि वह किस तरफ गया है, विच वे किस तरफ गया है। सिंस आई टोल्ड हिम दैट कैप्टन वुड बी बैक सून, तब मैंने उसको बताया, आई टोल्ड हिम दैट मैंने उसको बताया कि कैप्टन वुड बी बैक सून, जल्द ही वो कैप्टन वापस आएगा। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, बट ही वुड नाट लेट मी गो इन सर्च ऑफ हिम, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया उसको ढूंढने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मुझे उसने जाने नहीं दिया। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टॉप हियर, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क टुडे? राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग याद करिए और फेयर कॉपी पे लिखिए। वर्ड मीनिंग सबसे ऊपर ही दिया गया है बेटा, इसलिए मैं PDF शेयर करूं तो डोंट बी कंफ्यूज। द येलो बॉक्स इज अ वर्ड मीनिंग, राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर फेयर कॉपी एंड लर्न इट आल्सो, लिखना भी है और याद भी करना है। ओके देन, आई थिंक योर होमवर्क इज़ क्लियर नाउ, आपका होमवर्क क्लियर होगा कि आपको वर्ड मीनिंग लिखना है एंड याद करना है फेयर कॉपी पे। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास में।